खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कतल तो बाद भारत ते कनेडा दे विगड़े संबंधा विचाले दो वड्डियां खबरां सामने आ रही ने। पहली खबर यह है कि कनेडा ने भारत विच अपने नागरिकां लई नवीं एडवाइजरी जारी कर दिती है अते दूजी खबर यह है कि कनेडा ने भारत चों अपने राजदूत वापस बुला ले हन। कनेडियन सरकार ने शुक्रवार नूं यह ऐलान कीता सी कि भारत दे विच तैनात उन्हां दे 41 डिप्लोमैटिक वापस कनेडा आ गए हन, हालांकि 21 राजदूत अजे भी नवीं दिल्ली दे विच रहणगे। भारत ने कनेडियन सरकार नूं अपने दूतावासां दे विच अधिकारियां दी गिणती घटाउण लई कहा सी, हालांकि कनेडा दी विदेश मंत्री मैनालिया जोली ने कहा कि ओह भारत नूं कनेडा दे विच अपने डिप्लोमैटां दी गिणती घटाउण लई नहीं कहणगे। इस दे नाल ही जोली ने कहा कि भारत ने 20 अक्तूबर तक नवीं दिल्ली दे विच 21 कनेडियन डिप्लोमैटां उन्हां दे परिवारां नूं छड्ड के सारिआं दी डिप्लोमैटिक छोट नूं खत्म करन दा रस्मी तौर ते ऐलान कीता है। साडे डिप्लोमैट अते उन्हां दे परिवार हुण वापस आ गए हन अते अपने अपने घरां नूं जा रहे हन, इह बयान जोली ने दित्ता सी। इस दे नाल ही जोली ने इह वी कहा सी कि भारत दा फैसला इक पासड सी। उन्हां ने कहा कि कूटनीतिक विशेष अधिकारां दी इक तरफा समाप्ति अंतरराष्ट्रीय कानून दे उल्ट है। इह डिप्लोमैटां नूं बदले जां गिरफ्तारी दे डर तों बिना कम करन दी इजाजत नहीं दिंदा। कनेडा वालों जारी अपनी एडवाइजरी दे विच कहा गया कि जेडे कनेडियन भारत विच हन उन्हां नूं कनेडा विरोधी प्रदर्शनां तों दूरी बना के रखण दी लोड़ है अते इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि कनेडियन नागरिक नूं धमकाउणा जां परेशान करन दी संभावना हो सकदी है, इस दे लई साडे नागरिक इस तों बच के रहण। इस तों बाद एडवाइजरी दे विच इह वी कहा गया कि बेंगलुरु, चंडीगढ़ अते मुंबई दे विच कनेडा दे कौंसुलेट जनरल व्यक्तित्व तौर ते कामकाज नूं अस्थाई तौर ते मुअत्तल कर दिते गए हन। नागरिक नवीं दिल्ली विच कनेडा दे हाई कमिशन तों कौंसलर सहायता कनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दे 18 सितंबर नूं हाउस ऑफ कॉमन्स विच दिते गए बयान तों बाद दोवां देशां दे रिश्ते विगड़ गए हन। भारतीय एजेंट ते खालिस्तानी निज्जर दे कतल नाल संभावित संबंध होण दे दोष लाए गए सन। भारत ने इन्हां दोषां नूं रद्द कर दिता सी। ब्यूरो रिपोर्ट, हकीकी टीवी, पंजाबी।